देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जहां सपा ने 37 जीते, तो वहीं बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। सपा ने तमाम राजनीतिक पंडितों के आंकड़े को धता बताते हुए यूपी में हैरान कर देने वाला प्रदर्शन किया। सपा 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। इस बार सपा ने टिकट बंटवारे को लेकर काफी ध्यान रखा था, जिसका फायदा पार्टी को मिला भी है। इस बार सपा ने युवाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया था, टिकट देने में भी कोई कंजूसी नहीं की थी। इस बार देश का सबसे युवा सांसद भी सपा ने ही दिया है। सपा के दो सांसद ऐसे हैं जो सिर्फ 25 साल के हैं। इस वीडियो में हम आपको सपा के युवा सांसदों से मिलवाएंगे, जो इस बार अखिलेश के नेतृत्व में संसद में नजर आएंगे। कौशाम्बी लोकसभा सीट से जीत कर आए पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज सपा नेता इंद्रजीत सरोज के बड़े बेटे हैं। फिलहाल पुष्पेंद्र सरोज बीएससी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्हें कौशाम्बी लोकसभा से सपा ने उम्मीदवार बना दिया और वो सांसद भी बन गए। उनकी उम्र महज 25 साल है। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र सरोज के पिता सपा के महासचिव हैं और मंझनपुर विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे हैं। वर्तमान में भी वो मंझनपुर विधानसभा से विधायक हैं। मछली शहर से सांसद बनी प्रिया सरोज 25 साल की हैं। मछली शहर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को प्रत्याशी घोषित किया था। प्रिया सरोज के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की है। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज इस बार मछली शहर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। प्रिया सरोज ने बीजेपी के भोलानाथ को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने जीता चुनाव। उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सपा प्रत्याशी आदित्य यादव का नाम भी युवा सांसदों की सूची में आ गया है। उन्होंने 35 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता। आदित्य सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे हैं। आदित्य यादव को कुल 5,01,855 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य को 34,000 मतों से हराया। महज 29 साल की हैं इकरा हसन। कैराना लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाली इकरा हसन का नाम भी युवा सांसदों की सूची में शामिल है। 29 साल की इकरा ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से हराया। इकरा ने लंदन से पढ़ाई की है। इकरा के माता पिता और दादाजी तक सांसद रहे हैं। अखिलेश के खास आनंद भदौरिया भी जीते। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नवरत्नों में शुमार आनंद भदौरिया अब सांसद हो गए हैं। आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के उन युवा नेताओं में से हैं जो अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में शुमार हैं। धौरहरा लोकसभा सीट पर आनंद भदौरिया ने रेखा वर्मा को हराया। कर्ष वर्मा मधुर ने अजय मिश्र ट्रेनी को हराया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को धता बताते हुए सपा के उत्कर्ष वर्मा मधुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी को हराया। उत्कर्ष वर्मा मधुर की गिनती सपा के युवा नेताओं में होती है। उत्कर्ष वर्मा ने ट्रेनी को 34,000 से ज्यादा मतों से हराया। 36 साल के हैं संभल से जीते जियाउर रहमान बर्क। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की है। बर्क ने बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से हराया। जियाउर रहमान बर्क को 5,71,161 वोट मिले। उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद भी चुन लिए गए। बर्क संभल से युवा सांसद के रूप में 18वीं लोकसभा के सदस्य बने। जियाउर रहमान बर्क की उम्र 36 साल है। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने भी जीता चुनाव। उत्तर प्रदेश के चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद लोकसभा सीट से एक बार फिर सपा के अक्षय यादव चुनाव जीत गए। उन्हें 5,00,000 से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने बीजेपी के विश्वदीप सिंह को हराया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अक्षय यादव इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव 38 साल के हैं।